कि दिल्ली से इतनी खचाखच भीड़ है छठ पूजा के लिए, लोग वहाँ पे लाइनों में लग रखे हैं, दो दो तीन तीन दिन से वहीं पे रुक रखे। सीट नहीं मिला, बाथरूम में बैठ के आना पड़ा था, सीट मिल गया। टिकट तो पहले 3 महीने पहले ही हमने कटाया था, लेकिन बहुत भीड़ थी, बहुत परेशानी झेलना पड़ा उसके बाद मुझे यहाँ बैठ के आना पड़ा। इतना गर्दी था, हालत खराब हो गया। दूसरे जगह में भी रह रहे हैं रोजगार के लिए, वो सारे भी अपने घर जा रहे हैं अभी। वेयर इज माई ट्रेन, उसमें सारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो सारा गलत अपडेट हो रखा है, इसके वजह से मेरा क्या कई सारे का ट्रेन वो पार्टली छूट गई। सीट मिल नहीं, सीट नहीं मिल पा रहा किसी को, बाहर से तो आते हैं, खैर जो बिहार में दूसरे जगह पर रहते हैं वो भी जाते हैं अपने घर। आते वक्त छठ पूजा से दिल्ली वगैरह से काफ़ी लोग आते हैं, तो इस वजह से मिल तो गई लेकिन बहुत काफ़ी मशक्कत के बाद मिली। लगता है कि भीड़ जो आ रही है उधर से काफ़ी बड़ी भीड़ आ रही है, दिल्ली से बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। लगता है सीट मिल पाया था? सीट नहीं मिला। सीट नहीं मिला? नहीं मिला। इस तरह से आए हैं ट्रेनों में काफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल खड़ा हो गया है। लोक आस्था का महापर्व जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसे में हर एक स्टेशन जो है बिहार का वो काफ़ी भरा भरा नज़र आ रहा है। ट्रेन जो आ रही है पूरी तरह खचाखच लोगों से, यात्रियों से भरा हुआ बिहार पटना जंक्शन पर पहुंच रहा है। ऐसे में पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, देख सकते हैं भारी संख्या में जो यात्री हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना है और लोक आस्था का महापर्व जो है वो आने वाला है। कल से नहाय खाय 4 दिवसीय महापर्व जो है वो शुरू होगा और इसी चीज़ को लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी बेसब्री से अलग दूसरे जगह अपने परिवार से भेंट मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? हम झारखंड ही, जेसीडी जेसीडी। क्या लगता है कि ट्रेनों का इंतजार? हाँ, ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। क्या मुंबई से आ रहे हैं? मुंबई से? हाँ, यहीं तक टिकट था हम लोग को, अभी यहाँ से फिर जेसीडी जाना है। क्या लगता है कि टिकट आसानी से मिल गई? टिकट तो पहले 3 महीने पहले ही हमने कटाया था, लेकिन बहुत भीड़ थी, बहुत परेशानी झेलना पड़ा उसके बाद मुझे यहाँ आने में। सीट मिल गया? सीट नहीं मिला, बाथरूम में बैठ के आना पड़ा था, सीट मिल गया। बाथरूम में बैठ गया? तो बाथरूम के बाजू जो होता है वैसा जगह में बैठ के आना पड़ा, इतना गर्दी था कि हालत खराब हो गया। तो देखिए जो लोग हैं वो काफ़ी दूर दराज से बिहार पहुंच रहे हैं, ऐसे में सामान के साथ अलग अलग जगहों से बिहार पहुँच। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, लखीसराय। क्या लगता है छठ आ गया है, महापर्व है इस? हाँ हाँ, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, और उसके बाद जैसे जो कोई दूसरे जगह में भी रह रहे हैं रोजगार के लिए, वो सारे भी अपने घर जा रहे हैं अभी। जैसे हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं तो अपने घर भी जा रहे हैं। टिकट मिल गया? हाँ हाँ। जो परिवार हैं काफ़ी मशक्क़त के बाद, कुछ लोगों का कहना है कि जो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, अलग अलग जो ट्रेन बाहर से आ रही है वो काफ़ी भरी भरी यात्रियों से खचाखच आ रही है। जो अभी दिल्ली से ट्रेन आई है उसमें काफ़ी बड़ी भीड़ नज़र आई है, और इसी वजह से जो लोग हैं टिकट तो मिल जा रहा है लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जगह से जो यात्री हैं वो पहुँचे, क्या लग रहा है कि कहाँ जा रहे हैं? कोई कहीं नहीं जा रहा भैया, सब यहीं रह जा रहा। हाँ, एक तो ये जो एप्लीकेशन ऐप है ना, जो वेयर इज़ माई ट्रेन, उसमें सारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो सारा गलत अपडेट हो रखा है। मैं कितना बजे आया था, पाटली पकड़ने आया था 3 ही बजे, ये अपडेट करके रखे थे यार प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और आया प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, इसके वजह से मेरा क्या कई सारे का ट्रेन वो पाटली छूट गई। क्या लग रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा आ रहा है ट्रेन में? सीट मिल पा रहा? नहीं, सीट नहीं मिल पा रहा किसी को, ना किसी को। अरे छठ पूजा का सीजन है, हम बिहारी हैं भाई, छठ पूजा का टाइम पे तो भीड़ होती है। पूजा में बाहर से लोग आ रहे हैं छठ? बाहर से तो आते हैं, खैर जो बिहार में दूसरे जगह पर रहते हैं वो भी जाते हैं अपने घर, तो इस वजह से भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए जो लोग हैं वो दूर दराज से अपना छठ पर्व मनाने के लिए पहुँच रहे हैं, ऐसे में कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्या लगता है कि दिल्ली से जो ट्रेन आ रही है काफ़ी भरी भरी आ रही है, इधर से भी लोग? नहीं, मैं तो पेपर देने आया था, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था कॉन्स्टेबल का, वो एग्ज़ाम देने आया था परसों। टिकट मिल गया? हाँ मिला, तो लेकिन बड़े मुश्किल में मिला, क्योंकि आते वक्त छठ पूजा से दिल्ली वगैरह से काफ़ी लोग आते हैं, तो इस वजह से मिल तो गई लेकिन बहुत काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली। जो लोग आ रहे हैं बाहर से भी उन्हें काफ़ी कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है भैया? ऐसा है कि ट्रेन जो स्पेशल थी उसी में हमारा रिजर्वेशन बड़ी मुश्किल से मिला, वो भी AC 3E में। बाकी दिल्ली से इतनी खचाखच भीड़ है छठ पूजा के लिए, लोग वहाँ पे लाइनों में लग रखे हैं, दो दो तीन तीन दिन से वहीं पे रुक रखे हैं, फिर भी लोगों को टिकट नहीं मिल रही है। जो जनरल या बेचारे छोटे तबके के आदमी हैं वो बहुत मुश्किल हो रहा है उनका आना जाना। क्या लगता है कि भीड़ जो आ रही है उधर से काफ़ी बड़ी भीड़ आ रही है? दिल्ली से बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है अपने पटना के लिए, बिहार के लिए, क्योंकि छठ मैया की जो पूजा है उसके लिए सभी जो दिल्ली में काम करते हैं वहाँ के, यहाँ के बिहार के लोकल आदमी,
वो यहाँ अपने गांव में छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं। उसके लिए कितना दिक्कत हो रहा है ट्रेन में आने में? दिक्कत, बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या लगता है सीट मिल पाया था? सीट नहीं मिला। सीट नहीं मिला? नहीं मिला। किस तरह से आए हैं ट्रेनों में? काफी बिल्कुल बिल्कुल खड़ा हो गया है। हाँ, ट्रेन चलाई गई है छठ को देखते हुए, तो जगह मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। कितना दिक्कत हुआ है ट्रेन? दिक्कत तो बहुत है हुआ है, मैं बहुत परेशानी है। क्या कहें, टिकट मिला था? हाँ, टिकट तो मिल गया था। टिकट मिल गया था। तो देखिए, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो पहुंचे। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? यही रहते हैं। हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बस रहना यही है, 10 बजे तक ड्यूटी है। हाँ, तो देखिए जो लोग हैं वो अलग अलग जगह। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से भागलपुर जा रहे हैं। भागलपुर जा रहे हैं। क्या लगता है, टिकट मिल गया? जी, टिकट मिल गया, थोड़ा परेशानी से मिला, मिल गया टिकट। परेशानी? लाइन में लाइन लगना पड़ा काफी देर। देखिए, भले ही ट्रेन चलाया गया है लेकिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 16 जोड़ी लगभग ट्रेनें जो हैं वो दूसरी चलाई गई हैं, उसके बावजूद देखिए अभी भी स्टेशन पर जो भीड़ है वो काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद है। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लगातार काफ़ी ट्रेनों का इंतज़ार करना पड़ रहा है।